अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जिस भी मीडियम से एक्सेस कर रहा है, ये आप सब लोगों के लिए वीडियो है। इन शॉर्ट मैं कहूँगा ये एक माइंड चेंजिंग वीडियो है, ठीक है। एक जिसे कहते हैं ना कि आप ही के लिए बनाए हैं, यहाँ ताकि आप लोगों को ही फ़ायदा हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप सबसे कि यू आर यूनिक, आप लोग यूनिक हो। इनफैक्ट एवरी वन ऑफ अस इज़ यूनिक, ठीक है। हम सब लोग जो है ना वो यूनिक हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। और वो क्या है? वो आपका टैलेंट, वो है आपका स्किल सेट, वो है आपका एक्सपोजर, वो है आपकी लर्निंग। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को डिस्कवर कर लिया है अभी तक कि नहीं। अगर नहीं डिस्कवर किया तो प्लीज स्टार्ट डिस्कवरिंग इट। वो कैसे है? स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। देखो, मुसलमान है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम मुसलमान हैं। अशरफ अल मखलूकात बना के भेजा, इतनी कमाल की चीज़ यहाँ पे हमें अता कर दी है, जिसे हम कहते हैं दिमाग। सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है, इसको डायरेक्ट डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे तो यार बहुत कमाल चीज़ें आप जिसे कहते हैं ना अनकवर डिस्कवर कर पाओगे। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं, आप अनकवर कर सकते हो, ठीक है, अनलीश कर सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। बट सिर्फ मेन चीज़ ये है कि बहुत से लोग अभी तक अपने उस टैलेंट को जिसे कहते हैं वो डिस्कवर ही नहीं कर पाए, ठीक है। हमें कोई चीज़ अगर दी जाती तो हम पहले हाथ उठाते, हम नहीं कर सकते। सबसे पहले ये माइंड से निकाल दो यार, आई कांट डू इट। इसमें से टी और पोस्टफी वाला निकाल दो, आई कैन डू इट ये लगा लो। जो भी है यार, अप टू इट, ठीक है, उसको ओके करो यार कि तुम कर सकते हो यार, ठीक है भाई। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं अल्लाह तबारक पता नहीं दुनिया बनाई जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। यकीन, खुद पे भरोसा, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, अडॉप्शन कर्व, चेंज को एक्सेप्ट करना, कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिविटी लेके आना, कुछ वैल्यू एडिशन करना, दैट इज समथिंग जो मैं सिखाता हूँ आपको। बिलीव यू मी, यू आर यूनिक, आप बहुत यूनिक हो यार। यूनिकनेस से मुराद आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके बालों का स्टाइल, आपके बियर्ड का स्टाइल, आपकी लुक्स नहीं है, आपका स्किल सेट है जो यहाँ पे आपने फीड है। इसको आप लोग वो इंडियंस बोलते हैं ना यार, दिमाग का ढक्कन खोलना है, दिमाग का ढक्कन खोलना है, यानी कि स्टार्ट यूजिंग इट, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो यार। और सक्सेस मिलती है यार, 5 साल हो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में काम करते हुए। 5 साल में मैंने हर दफा अपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी प्रोजेक्ट में नई से नई स्टार्ट चीज लगाया हूँ, उसके 100% रिजल्ट मिले हैं, क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूँ, पैशनेट हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे रिजल्ट्स लेके आने हैं। व्हेन पैशन बिकम्स ए प्रोफेशन, आप बोर ही नहीं होते, देन आप सैलरीज के लिए भी काम नहीं करते, आप अपने रिजल्ट्स को, अपने माइलस्टोन्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को अचीव करने पर काम करते हो। और वो फिर यकीन करो यार, आप 9 घंटे भी ऑफिस में हो ना तो 9 की जगह 11 घंटे भी काम कर लेते हो। मैं 9 घंटे मेरी ड्यूटी होती है, बट मैं 11 घंटे भी काम कर रहा हूँ। मेरे अभी तक का मेरा जो एवरेज टाइम निकालूँ ना, वो 9:45 घंटे या 9:30 घंटे से 9:45 घंटे। ड्यूटी आवर्स हमारे 8 घंटे 45 मिनट के हैं, ठीक है, बट मेरे 9:30 घंटे और 9:45 घंटे हैं, और ये मेरा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं यहाँ पे जॉब करते हुए, ठीक है। ये क्या है? मुझे पता है मैं यूनिक हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो मैं स्ट्रेटजी लगाता हूँ वो कोई नहीं लगाता। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ, अगर आप लिखो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट इन पाकिस्तान, पहले 8 से 9 लिंक्स मेरे आते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे। मैं यूनिक हूँ, यूनिकनेस मैंने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, मैं चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता, मेरे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मेरा यूनिकनेस है, ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। आप लोगों का क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? डिस्कवर किया आपने अपने ऊपर, इन्वेस्ट किया आपने अपने ऊपर, राइट पाथ को फॉलो किया है? अपने ऊपर इन्वेस्ट करो यार, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, लर्निंग होगी, ग्रूमिंग करो अपने आप की, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, सीखोगे तो आप फायदा होगा। इसी को मैं कहूँगा कि दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू डिस्कवर योरसेल्फ, यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। एक्सप्लोर करोगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल होगे और रिकॉर्ड्स बिल्ड करोगे यार। मैं अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, बेंचमार्क बनाता हूँ, अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस को अपनी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस से मैं मैच करता हूँ, अपने फ्यूचर को आने वाले प्रेजेंट की परफॉर्मेंस से मैच करता हूँ, और बेहतर से बेहतर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज वॉट लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद उमर फहीम इज, इन्वेस्टिंग योरसेल्फ, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो यार। हर बच्चा यूनिक है, 9th-10th के या FSC के मार्क्स ये डिटरमाइन नहीं करते कि आप आगे जाके जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। वो एक जिसे कहते हैं ना टेम्प्रेरी माइलस्टोन है जिसको आपने अचीव करना है। हाँ, उसे सक्सेसफुली अचीव करते तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। लाइफ में बेशुमार माइलस्टोन है, 25 ईयर्स तक आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और मजे की बात क्या, पेरेंट्स ने पढ़ाना है, वो आप इन्वेस्ट करें, वो अपना पैसा, टाइम, अपने इमोशंस आप इन्वेस्ट करें, ताकि आप कल को एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल कर सको, वो पैसे आप कमा सको, अपने खुद पर लगा सको, ठीक है। तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर पेरेंट्स, डिस्कवर योर सेल्फ, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, बस उसको दिमाग को इस्तेमाल करो, किस तरफ इस्तेमाल करना है। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो से रिगार्डिंग, आप में क्या क्या यूनिकनेस में है, आप में क्या आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा, मुझे मैसेजेस कीजिएगा, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। इंशाल्लाह
मैं हमेशा आपसे यार आई ऑलवेज सेज मैं हमेशा आपसे जुड़ता रहूंगा, आप लोगों से कनेक्ट करता रहूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज कनेक्ट विद माई कस्टमर्स एंड आई ऑलवेज कनेक्ट विद माई यूट्यूब फैमिली. आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपको सिखा रहा हूँ, आप मेरी यूथ हो, आप मेरे मुल्क के बच्चे हो, आप मेरे बहन भाई हो, आप लोगों को मैंने सिखाना ही सिखाना है यार. लास्ट ब्रेथ तक मैं आपको सिखाता रहूंगा. एंड दैट इज़ व्हाट डिजिटल मार्केटिंग विद उमर फहीम इज. मकसद क्या है? सिखाना, अच्छी बात सिखाना, कुछ सिखाना ताकि उसको सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट से क्या हो. मुझे तो स्वाब मिलेगा मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा, आपकी जैसे कहते हैं वाह वाह हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी, आपका सोसाइटी में आपका सर्कल अच्छा हो जाएगा, लोग पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू केयर. इसने ये स्किल सेट इस्तेमाल की है, अपनी वैल्यू बनेगी, वैल्यू एडिशन कर पाओगे, सर उठा के जी सकोगे यार. यू विल मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. सो प्लीज़ इन लाइन्स पे काम कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए आप यूनिक किस तरह है. मुझे अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट मुझे मैसेज कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है. ठीक है, फिर मैं आप लोगों को आगे फर्दर गाइड करूँगा आप कैसे अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हो. अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान से बाय बाय. थैंक यू.